बिहार के नालंदा से सामने आई है, जहां के बिहार थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ले में डॉक्टर साहब के घर में अचानक से पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने जब रेड मारा तो डॉक्टर साहब के घर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। देह व्यापार में लिप्त चार महिलाओं को वहां से मुक्त भी कराया गया है, जबकि संचालक सह मकान मालिक डॉक्टर अमरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनास्थल से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं। सदर डीएसपी डॉक्टर सिवली नोमानी के नेतृत्व में पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये छापेमारी की। मकान के दूसरे तले पर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था, वहां से मिले आपत्तिजनक सामानों को जब्त कर लिया गया है। मकान मालिक इस धंधे का संचालक है, वह खुद को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और मेडिकल सप्लायर बताता है। अलग अलग स्थानों की चार महिलाओं को मुक्त कराया गया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मकान के दूसरे तल्ले को सील कर दिया गया है। हम लोगों को सूचना मिली थी यहाँ कुछ गलत कार्य किए जा रहे हैं, तत्काल इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई है और उनके दिशा निर्देशन में हम लोगों ने कार्रवाई किया है यहाँ, जिसमें चार युवतियों को अवैध देह व्यापार में जो शामिल थे यहाँ, उस तरह की कार्रवाई की जा रही थी, उनको रेस्क्यू किया गया है। और जो इसके मुख्य सरगना उमेश कुमार सिंह है, जिनका ये घर है, उनको हिरासत में लिया गया है और कुछ इस तरह के कारोबार से रिलेटेड कुछ कॉन्डोम वगैरह की भी बरामदगी हुई है। और जो इनका जो इतिहास हम लोग देख रहे हैं, पूर्व में भी इस घर में अफरीद को लाकर रखा गया था, उनको पुलिस के द्वारा मुक्त कराया गया था और इसमें जो भी शामिल हैं उसके संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जो विधि सम्मत है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे। तो मकान तो सील हो चुका है सर? हाँ, जो एक्ट्स का जो प्रोविज़न है उसके अंदर हम लोग कार्रवाई किए हैं, उसको सील किया गया उस परिसर को। और इसमें जो भी विधि अनुकूल कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे, ताकि इस तरह की कार्रवाई और कहीं। महिलाओं के साथ कोई लड़के ही बरामद हुए तो पकड़े गए? नहीं, वो लोग जैसा हम लोगों को लग रहा है कि गुप्त सूचना उन लोगों को पहले से मिल गई थी, वो जो इसमें थे वो लोग फरार होने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनको हम लोग पहचान सत्यापित कर। वहीं पुलिस इस कार्रवाई से आसपास के मोहल्ले वासी चिकित्सक की करतूत पर दंग रह गए हैं, वहीं पुलिस को भी दोषी मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्थानीय थाना को इसकी सूचना दी गई थी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई तो आनन फानन में पूरी छापेमारी की गई है। तो चलिए अब आपको वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं किस तरीके से नालंदा के अंदर डॉक्टर साहब चला रहे थे सेक्स रैकेट। नालंदा से राज की रिपोर्ट, न्यूज़ 4 नेशन।